देश में जहां भी मुस्लिम कट्टरपंथियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, वहां भारत के सामाजिक ताने बाने को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ऐसा ही एक मामला झारखंड से सामने आया है। राज्य के रामगढ़ जिले में एक सेना के खौफ में मुस्लिम महिलाएं जी रही हैं। इस सेना का नाम है आदम सेना। आरोप है कि आदम सेना के लोग मुस्लिम महिलाओं पर जबरन शरिया कानून थोप रहे हैं और उसकी आड़ में घरों में घुसकर मुस्लिम युवतियों से छेड़छाड़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया के पोस्ट्स के मुताबिक आदम सेना का उद्देश्य शरिया कानून का प्रचार करना और उसे लागू करना है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आदम सेना के लोग मुस्लिम युवतियों को हिंदू पुरुषों से बात करने और बुर्का नहीं पहनने पर कार्रवाई की चेतावनी दे रहे हैं। आरोप है कि सेना की बात नहीं मानने पर मुस्लिम युवतियों को रेप कर फेंक देने और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। रामगढ़ के रजरप्पा थाने में अर्जी देकर एक मुस्लिम युवती ने आदम सेना के लोगों से बचाने की गुहार लगाई है। दूसरी तरफ पुलिस ने इसे जमीन विवाद का मामला बताया है। थाने में शिकायत दर्ज करने वाली युवती का आरोप है कि गांव के ही साबिर अली नाम के शख्स ने उसके साथ दिसंबर 2023 में दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि जब उसने शोर मचाया तो उसके साथ मारपीट की गई। मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के मुताबिक आदम सेना वैसे मुस्लिम युवकों का एक सामाजिक संगठन है जो मुस्लिम महिलाओं पर शरिया कानून लागू करना चाहता है और मुसलमानों के खिलाफ होने वाली हिंसा का प्रतिरोध करता है। ये संगठन समाज में लोगों को जगाने का दावा करता है। सोशल मीडिया पर इसके कई तरह के लोगोस दिख रहे हैं। सभी में एक समानता है, जिसमें दहाड़ता हुआ शेर दिखाया गया है और तिरंगा दिखाया गया है। मामले पर झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, झारखंड में पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे मुस्लिम महिलाओं पर जबरन शरिया कानून थोपने का काम चल रहा है। आदम सेना नामक गिरोह बनाकर कुछ असामाजिक तत्व मुस्लिम महिलाओं को हिंदुओं से बातचीत नहीं करने का दबाव बनाते हुए घरों में घुसकर छेड़खानी भी कर रहे हैं। याद रहे, झारखंड देश के संविधान से चलेगा, किसी शरिया शरीयत से नहीं। बाबूलाल मरांडी ने सीएम से कहा कि वोट बैंक के लालच में आदम सेना जैसे गिरोहों को संरक्षण देने के बजाय इनके नापाक मनसूबों को कुचलने का काम करें।